हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स दैट इज ग्रुप बी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने ग्रुप बी के कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट किए थे, उसमें परसेंटेज वेट बाय वेट था, दूसरा हमारा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलालिटी था, फिर पीपीएम एंड पीपीबी हमने पढ़ा था। ना उसके अलावा हम लोग ने मोलालिटी मोलालिटी के बीच में रिलेशन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी के बीच में रिलेशन, ये सब भी हमने कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप बी के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे उन सबके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, उसमें है, ये पीडीएफ है लेक्चर 4 क्लास वर्क, ठीक है ना। लेक्चर 4 क्लास वर्क का जो पीडीएफ है उसमें टोटल क्वेश्चन है बच्चों 26 क्वेश्चन है। हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक होमवर्क भी दिया है, वो आपको खुद से करना है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब द सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी इक्वल टू 1.052, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 16, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलालिटी निकालेंगे, क्योंकि मोलालिटी के लिए अपने को बहुत झंझट है। पहले मोलालिटी निकालेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, 18 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। सो 1.5 क्या हो जाएगा, लीटर। ना अभी अगर बात करूँ 3, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, 2 ऊपर गया, 36 अपॉन 3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 60, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 0.666 36, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2। क्या है ये, मोलार है, बट हमको क्या पूछा है, मोलालिटी। हम सबको पता है मोलालिटी इज रिलेटेड टू मोलालिटी बाय 1000, मोलालिटी डिवाइड बाय 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मोलार मास इनटू माइनस मोलालिटी इनटू मोलार मास ऑफ द डैश सॉल्यूट। ये फॉर्मूला सबको याद है। अभी अगर मुझे मोलालिटी निकालना है तो 1000 इंटू पॉइंट टू डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, देखो 1.052 माइनस वापस मोलालिटी एंड सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, तो यूरिया का जो मोलार मास होता है वो कितना होता है, दिया है क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है ना। तो आप बताओ इसका आंसर हो जाएगा 200 अपॉन 1052 माइनस ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू पॉइंट टू 12 हो जाएगा। सो ये हो गया 12, तो आंसर आ जाएगा 200 अपॉन 1040 कितना, 1040 बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 10 की पावर माइनस 1, ऑब्वियसली यस, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 1 point, क्योंकि 104 का डबल तो 208 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 1.8 या 9 के बाजू में आएगा, 1.9 के बाजू में है क्या वो आंसर, 1.9 और ये 10^-1, तो आंसर आ जाएगा 0.192 मोलाल। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, इन द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर एमएल एंड कंटेन्स 92 ग्राम्स ऑफ एनए प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 92 ग्राम्स ऑफ एनए प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर, मतलब 1 किलो पानी के अंदर 92 ग्राम्स क्या है, एनए प्लस आयंस है। द मोलालिटी ऑफ एनए प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर इज, ठीक है, तो मोलालिटी पूछा है बच्चों, तो एकदम सिंपल है। मोलालिटी के लिए आपको 1 केजी ऑफ वाटर तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना। आपको ऊपर क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी सॉल्यूट में भी Na+ का ही पूछा है उन्होंने, देखो। तो मोलालिटी किसका पूछा, Na+ का, तो Na का कितना होता है, एटॉमिक मास 23 अपॉन 1 है, तो ये हो गया 4 मोलाल। ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, नेलोरफिन, नेलोरफिन एक क्या है, मेडिसिन है, सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज टू कॉम्बैट विथड्रॉ सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स, ठीक है ना। डोजेस ऑफ नॉर्फोलिन इज जनरली गिवन इन 1.5 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम उसको डोज देना होता है। द मास ऑफ 0.15 मोलालिटी दिया हुआ है, 1.5 × 10^-3 मोलाल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबाउट डोजेस, ठीक है ना। पहले हमको ये देखना है कि इसके अंदर कितना नेलोरफिन है, तो 1.5 ग्राम के लिए कितना नेलोरफिन लगेगा, सुनो मेरी बात।
पहली बात तो इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग है 1.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मोल ऑफ नेलोरफिन इन 1 kg वाटर, इन 1 kg वाटर, यस और नो? इट इज प्रेजेंट इन 1 kg क्या वाटर, इतने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg वाटर के अंदर, करेक्ट? तो अभी मुझे था क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर मैं मोल्स को मास में कन्वर्ट करूं तो इसको मास ऑफ नेलोरफिन कितना आएगा? मास ऑफ नेलोरफिन इज इक्वल टू मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू मोलर मास ऑफ नेलोरफिन। फॉर्मूला दिया है क्या? फॉर्मूला दिया है C19 H22 NO3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14 होता है। तो इसका टोटल करोगे बच्चों, यस मैं अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 311 है ना, 311। तो अगर ये 311 है तो ये 311 इंटू क्या हो गया, ग्राम्स हो गया कि नहीं हो गया? अभी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू 311 इंटू 10 रेस टू प्लस 3 मिलीग्राम हो गया नेलोरफिन का। आपको क्वेश्चन में कितना ग्राम नेलोरफिन पूछा है? 1.5 मिलीग्राम। तो अगर मैं 1.5 मिलीग्राम लूँ सॉल्यूशन, 1.5 मिलीग्राम मुझे नेलोरफिन चाहिए, तो ये कितना किलो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, वो ग्राम से पूछा है, वो तो कर लेंगे अपन, ये केजी में है ना। तो क्या मैं इसको 1000 ग्राम लिख सकता हूँ? तो 1000 ग्राम्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस मच मिलीग्राम ऑफ नेलोरफिन। तो अभी मुझे कितना नेलोरफिन चाहिए? 1.5 मिलीग्राम चाहिए, तो कितना ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा? तो क्या करेंगे बताओ, एक्स विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय, बोलो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, 1.5 इंटू 311, 1.5 1.5 कैंसल, इसको 300 मान के चलो, 300 है तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, सो ये क्यों, क्योंकि 300 3 900, तो 3 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यस 3 का आंसर 3.21, परफेक्ट ऑप्शन, 3 पॉइंट कितना 21 है। इसका आंसर कितना दिया है, चेक इट आउट हियर, क्वेश्चन सेकेंड, यस 3.21 ग्राम दिया, राइट? सो इसका आंसर भी कितना दिया है, 3.21 ग्राम्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर सेज कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 51.2 ग्राम्स ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का फॉर्मूला C10H8 दिया हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 × 10 120 प्लस 8 128 है ना। आगे रीड करो, इन 500 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड द डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 1.60 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट्स पहले मुझे बताओ मोलालिटी पता करने के लिए क्या चाहिए, मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास 128 डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। बताओ कितना एम एल सी सी एल फोर दिया है, 500 ml सी सी एल फोर दिया है, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, बट एम एल में नहीं चाहिए, अपने को किलोग्राम में चाहिए। तो पहले एक काम करो, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास इज इक्वल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 500 ml इनटू डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी दिया है 1.60, तो 1.60 इसका ml और इसका ग्राम पर ml, तो ml ml कैंसिल, तो बचेगा कितना, ग्राम बचेगा, तो डैश क्या है ना, ग्राम। अभी अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डिवाइड बाय क्या करूंगा, 1000 करूंगा, सो 500 इंटू 1.60 डिवाइड बाय 1000, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में, तो 1 जार 2 जार, तो 1.60 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 1.6 डिवाइड बाय 2, करेक्ट ना? तो अभी ये 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 51.2 इंटू 2
डिवाइड बाय 128 इंटू 1.6 हो जाएगा बच्चों। सो 2 वन जा 2 कितना हो जाएगा, ये कितना 64 बराबर ना, 64 हो गया कि नहीं हो गया। अभी अगर अपन डिवाइड करें तो इसको कितना आएगा देखो, मोलालिटी विल बी इक्वल टू 51.2 डिवाइड बाय 64 को अगर अपन इससे डिवाइड करें, 51.2 को अपन 512 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 64 इंटू 1.6, ध्यान से देखना 64 का अगर अपन 8 जा करें तो 8 4 जा 32 50 48 प्लस 3 51 मतलब 8 जा आएगा बच्चों, ये 1 जा और ये कितना हो जाएगा 8 जा। इसको भी 16.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 लिखा बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 जा 2 जा मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 जा मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा पाई मोलर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस इट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द मोलालिटी ऑफ 90% H2SO4, द मोलालिटी ऑफ 90% H2SO4 सॉल्यूशन इट्स डेंसिटी इज गिवन। नाउ व्हाट यू मीन बाय 90% H2SO4, 90% H2SO4 क्या होगा बताओ, कुछ नहीं बोला है तो बाय मास ही लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बाय मास, कुछ नहीं बोला तो बाय मास लेना है। तो 90 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 10 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि अगर 90 ग्राम्स हुए तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उन्होंने पूछा है बच्चों मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी बराबर है। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, चलो ना कितना जाएगा 100 ऊपर जाएगा, 9000 डिवाइड बाय 98 बराबर है, 98 मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया 100, अगर ये 100 है तो 20 कैंसिल, आंसर 90 से थोड़ा ज्यादा, 90 से थोड़ा ज्यादा कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, थोड़ा ही ज्यादा एकदम मत जाना आगे, 91.83 क्या बोला लो। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी एंड सी इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ईच, भले कुछ भी हो बेटा याद रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितने भी कंपोनेंट हो, एक हो या नहीं सॉरी एक क्या दो या दो से कितने भी ज्यादा हो बेटा, आंसर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज व्हाट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज नथिंग बट इथेनॉल, कंटेन्स 95% इथेनॉल बाय वेट, 95% इथेनॉल बाय वेट मतलब 95 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल, अगर 95 ग्राम्स इथेनॉल है तो 5 ग्राम क्या है वाटर, 95 ग्राम्स इथेनॉल इन 5 ग्राम्स ऑफ वाटर। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा देखो जरा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन पूछा है मतलब X2 पूछा है या मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH पूछा है, तो आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH आएगा, है ना। तो अभी आप बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इथेनॉल का गिवन मास अपॉन मोलर मास 46 डिवाइड बाय वाटर का पाई अपॉन 18 प्लस इथेनॉल का वापस 95 डिवाइड बाय 46, है ना। तो अभी इसमें आंसर्स किस में दिया है, फ्रैक्शंस में ही दिया है, तो चलो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बराबर, मतलब पॉइंट्स में दिया ना, तो आप बताओ इसको सॉल्व कैसे करें, कोई कोई नंबर कैंसिल तो होने रहे, 46 का डबल तो 92 होता है ना, तो इसका मतलब डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली करना पड़ेगा इतना तो अभी, और देखो आंसर बहुत क्लोज है क्या, नहीं आंसर ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, बट 0.881 भी है, 0.81 भी है, 0.99 भी है, तो स्टूडेंट्स इसको भी डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवाइड कैसे करेंगे, अभी अगर समझो इसको तो 46 तो बना नहीं सकते, सो 95 डिवाइड बाय 46 इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट समथिंग, चलो 2 पॉइंट समथिंग, और ये कितना आएगा 50 डिवाइड बाय 18 थ्रीजा 54 होता है, तो इसका मतलब आंसर इसका भी 0.2 के लगभग आएगा, 0.28 समथिंग आएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी पूरा कैलकुलेट करने के चक्कर में इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा कैसे देखो, 95 डिवाइड बाय कितना 46, बेवकूफ लोग ऐसे वैल्यूज दे देते हैं,
अभी 46 इंटू फाइव करना पड़ेगा, 46 फाइव जार 5 6 जार 30, कैरी 3, 5 2 जार 20 प्लस 3 23 करेक्ट। सो 23 टू 30 प्लस 18 को 95 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 8 5 जार 40, 9 इज 72 प्लस 4 76, 95 इधर तो बोलो 0 11 कैरी 1 17 1710 डिवाइड बाय 46 इंटू 18, 18 इंटू 46, ये 46 46 कैंसल। अभी बताओ, देयर फोर मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, बोलो 95 इंटू 18 डिवाइड बाय 230 में 230 में 1710 ऐड करो, कितना आएगा 0 4 9 और 1 1, क्या हो गया 1940 करेक्ट। अभी मुझे था 18 इंटू 98 अपन ने किया था, कितना था 1710 डिवाइड बाय 1940 और ये कैंसल। अभी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आंसर 0.8 के आजू बाजू में आएगा, करेक्ट ना। तो 0.8 में दो ऑप्शन है, बट अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर इज 0.881, ठीक है। तो कोई कोई सब बच्चों थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने नंबर ही ऐसे दिए कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इसके आगे, पहले आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्चुअली गलती से दो बार प्रिंट हुए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 138 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, 138 डिवाइड बाय 46, 46 थ्री जा 46 थ्री जा 138, कैसे 3 6 18 12 और 8 113 हो गया। आगे रीड करो, इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम्स ऑफ वाटर, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी 72 डिवाइड बाय 18, 18 फोर जा। क्वेश्चन रीड करो, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर, अल्कोहल टू वाटर मतलब इथेनॉल मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अभी इसमें बेटा समझदारी वाला काम करना, क्यों, मैंने आपको क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल्स का रेशियो सेम होता है, सो इट इज नथिंग बट एन ऑफ इथेनॉल अपॉन एन ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 3/4 ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, सेम है, इसका भी एक वही है, दोनों क्वेश्चन दो बार एक्चुअली प्रिंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा है, ठीक है, इन 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2, 20% बाय वेट H2O2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम्स क्या है H2O2 है और 80 ग्राम्स क्या है वाटर है, एकदम सिंपल करेक्ट। तो आपको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, वाटर का पूछा है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, एकदम सिंपल। चलो वाटर का मोल्स कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइड बाय 18 द होल डिवाइडेड बाय वाटर का, 80 डिवाइड बाय 18 प्लस H2O2 का 20 ग्राम दिया है, 20 अपॉन कितना 34 है ना, तो बच्चों यहां पे फ्रैक्शन में दिया आंसर, चलो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 9 है ना, ये भी 40 डिवाइड बाय 9 और तो डिवाइड होता है, ये 10 डिवाइड बाय 17 हो जाएगा है ना। तो अभी अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज फ्रैक्शन में ही दिया है आंसर्स, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 9, 40 डिवाइड बाय 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 फोर जा कितना आएगा 38, 17 34 68 हो गया, और 9 प्लस 9 इंटू 10 कितना हो गया 90 डिवाइड बाय 9 इंटू 17, तो ये जो 9 है वो ये 17 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अभी 4 ऊपर गया तो 17 4 जा वापस से 68 और ये 0 680 ऐड करो, 0 9 प्लस 8 17 कैरी 1 6 प्लस 1 7 0 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 68 अपॉन 77,
कोई ऑप्शन है? यस इट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ कंटेन्स 25 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm? ppm का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय कितना? 10^6 था। अभी बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? कौन है सॉल्यूट? कैल्शियम कार्बोनेट 25 मिलीग्राम है। अभी ये बात ध्यान रखो, वहां पे 5 लीटर दिया है, 5 लीटर मतलब सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट मतलब पूरा पानी मान के चलो, 5 लीटर मतलब 5000 ml हो गया, 5000 ml मतलब 500 ग्राम्स ही हो गया, बराबर है? वापस से बोलता हूँ, 5 लीटर इज नथिंग बट 5000 ml, 5000 ml का मतलब 5000 ग्राम, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो जो पानी है वो ही क्या है बच्चों, तो पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो 5000 ग्राम्स, और ये मिलीग्राम्स है, तो 5 × 10^3, ये तो 3 ये था, अभी ये ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए वापस 10^3 × 10^6 तो पहले से था, ये और ये कैंसल, तो बचा क्या? 5 ppm, 5 क्या ppm, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन द सिंपल इन द सैंपल इन ppm, ppm पूछा है वापस से, तो पहली बात तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 6 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम बराबर है। सॉल्वेंट का मास कितना दिया है? 1 किलो दिया है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स मतलब 10^3, बट ऊपर मिलीग्राम है, तो वापस से 10^3 ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिलीग्राम में, 10^3, 10^3, 10^6 कैंसिल, तो आंसर आएगा 6 ppm, ऑप्शन बी 6 क्या ppm। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। 10 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, सिंपल नहीं है वो, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 50 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ppm, ठीक है ना? तो ppm कितना हो जाएगा बच्चों? 50 मिलीग्राम दिया है, तो 50 मिलीग्राम, 10 लीटर, 10 लीटर मतलब 10000 ml मतलब 10^4 क्या ग्राम्स, बट अपने वो किसमें चाहिए? मिलीग्राम्स में, तो 10^4 × 10^3 मिलीग्राम गुणा 10^6, ये 7 हो गया, और ये भी 7 है, ये 10 और ये 10^6, तो ये 0 और ये दोनों मिला के 7 और ये भी 7 है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 5 क्या आलू टमाटर क्या? 5 ppm, 5 ppm मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सेज 1000 ग्राम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्शन में देखो ppm दिया है, तो वापस से ppm आएगा, ऊपर कितना ग्राम्स है? 10 ग्राम, 10 ग्राम्स है, नीचे भी ग्राम्स में आना चाहिए, कितना ग्राम्स? 1000 ग्राम्स इंटू 10 की पावर कितना? 6, तो यहाँ पे टोटल 7 0 है, नीचे 3 0 है, तो ऊपर कितने बचेंगे? 7 में से 3 0 गए, तो 10^4, 10000 ppm, 10000 ppm कोई ऑप्शन है? यस ऑप्शन डी, 7 थे 4, 3 गए 4 बचे, बराबर 10000 ppm। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द वेट परसेंट ऑफ सुक्रोज, यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं लास्ट में बोलता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला है? द वेट परसेंट ऑफ सुक्रोज, वेट परसेंट ऑफ सुक्रोज मतलब सुक्रोज का जो परसेंटेज वेट दिया हुआ है वो कितना दिया है? 3.42% वेट बाय वेट, 3.42% वेट बाय वेट दिया हुआ है। द वेट परसेंट ऑफ सुक्रोज इज इन एक्वा सॉल्यूशन इज 3.42, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, आगे जो दिया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, क्वेश्चन को कंप्लीट करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन मोल पर लीटर ये पूछा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों बताओ? इसका मीनिंग है 3.42 ग्राम ऑफ डैश सुक्रोज इन 100
ग्राम क्या? सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। अभी डेंसिटी कितना दिया है? 1 दिया है, तो वॉल्यूम और ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। तो अभी आप बता, डेंसिटी और डेंसिटी क्या है? 1 है, तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा? सेम। अभी मोल पर लीटर पूछा है, इसका मतलब दे आर आस्किंग फॉर डैश मोलारिटी। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन 342 इज द मोलार मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 100 ग्राम्स को अपन एमएल भी ले सकते हैं, डिवाइड बाय कितना? 1000। 1020 1020, ये 10 ऊपर गया तो 34.2 हो जाएगा। 34.2 डिवाइड बाय 342, तो ये 1/10 मतलब 0.1 क्या मोलर है, क्या कोई ऑप्शन? 0.1 मोलर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, 3 मोलर एनायन सॉल्यूशन हैज द डेंसिटी, मोलालिटी कितना है? 3 मोलर, डेंसिटी कितना दिया है? 1.110 करेक्ट, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर सॉल्व कर लेना। मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, बराबर है, माइनस माइनस क्या? मोलार मास, सॉरी मोलारिटी इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर है। तो मैं वैल्यूज पुट करके देता हूँ, आप सॉल्व आपको करना है। 10^3 मोलार डिवाइड बाय ये 1000 इंटू डेंसिटी दिया 1.110, तो शिफ्ट होके कितना आएगा? 1110 माइनस मोलारिटी, तो हमको पता करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 40। अभी आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि ये वाले टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अभी आप इसका फोटो लो, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 80% बाय वेट, 80% बाय वेट, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, आगे रीड करो। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.71, मतलब डेंसिटी ले लेते हैं। नॉर्मलिटी इज अबाउट, उसका नॉर्मलिटी निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 80% बाय वेट मतलब 80 ग्राम्स H2SO4 है, करेक्ट ना, और 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन, बराबर। नाउ मोलारिटी निकालने के लिए, मोलारिटी या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 80/98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, अभी ये तो मास ऑफ द सॉल्यूशन है ना, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, सॉरी मास अपॉन क्या? डेंसिटी। मास अपॉन क्या आएगा बच्चों? डेंसिटी आएगा। मास कितना दिया है? 100, डेंसिटी कितना दिया है? 1.71। अभी ये किस में आया? एमएल में आया, किस में आया? एमएल में, तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000 करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 100 अपॉन 1.71 इंटू 10^-3, ये क्या हो गया? मोलरिटी। सो देयरफॉर अगर मुझे नॉर्मलिटी पूछा है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर ऑफ H2SO4 इज 2, तो ये 1.71 ऊपर जाएगा, 1.71 इनटू 80 डिवाइड बाय 98 इनटू 100 इनटू ये 10^-3 ऊपर गया, तो 10^ कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बराबर है। सो 10^-3 ऊपर गया, तो 10^+3 मतलब 1000 आ गया। Now, अभी इसके जीरोस कैंसिल करो, 1020 1020 कैंसिल। अभी ध्यान से देखते हैं, सॉरी बोलो, ये कितना हो जाएगा? 2 × 170, ये 20 है ना, 170 × 8 डिवाइड बाय कितना? 98, बराबर है। नाउ टेल मी, इसको अगर अपन डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 34 × 8, या फिर एक काम करते हैं, चलो 16 है ये, ये कितना है? 16, 8 × 16, 16 × 17 करोगे तो कितना आएगा? 2720 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 272, बराबर है। और एक जीरो भी तो है यहाँ पे, अभी दिमाग लगाओ बच्चों, ध्यान दो, पूरा कैलकुलेशन मत करना। इसको 100 मान के चलो, 100 मान के चलेंगे तो 27.2 आएगा, कितना आएगा? 27.2, बट ये 100 से कम है, 100 से क्या है? कम है,
27.2 से थोड़ा क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये 17 क्वेश्चन था, 27 से थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 27.9, बराबर है। तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18th क्वेश्चन देखिए, द मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन व्हिच द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.018 विल बी। एक्वस सॉल्यूशन बोला है, आप बताओ मोलालिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ डैश था सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला था, एक बार वापस से वेरीफाई कर ले। फॉर्मूला क्या था अपना, मेरे हिसाब से तो यही फॉर्मूला था। यस, मोलार मास ऑफ द क्या था, सॉल्वेंट ही था। तो बताओ अभी क्या करेंगे, मोलालिटी दिया है कि नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मोलालिटी, मोलालिटी तो पूछा है, मोल फ्रैक्शन कितना सॉल्यूट का दिया है 0.018, तो अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस 0.018 1000 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट कौन है, एक्वस सॉल्यूशन है, 1000 अपॉन कितना आएगा 18 हो जाएगा, करेक्ट है। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्या मैं इसको 18, ये देखो 10 20 30 तो ये 18 हो जाएगा और ये भी 18 है, तो ये पूरा कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन, ठीक है ना। आंसर बेटा ऑलमोस्ट क्लोज टू क्या आएगा, 1 ही आएगा, बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है ना। अभी इसमें से अगर मैं माइनस भी करूँ तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका आंसर इज अप्रोक्सीमेटली डैश मोलार 1 मोलार, ठीक है ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। ना एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, आंसर बराबर है। 19th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में बोला है द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ इन 60 ml ऑफ, मिली इक्विवेलेंट्स 60 ml ऑफ 4 molar H2SO4। क्वाइट सिंपल, ध्यान देना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पे मोलारिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा बताओ। नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, एन फैक्टर कितना होता है 2 इनटू मोलारिटी इज 4, सो 8 नॉर्मल हो गया। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू, कितना 8 आना चाहिए। आप बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो पूछा ही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं पूछा, मिली इक्विवेलेंट पूछा, वो अपन बाद में देख लेंगे। 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो 60 डिवाइड बाय कितना आएगा 1000। अभी ये क्या है, इक्विवेलेंट्स है, अगर मुझे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालना है तो अभी इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मिली इक्विवेलेंट्स के लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, तो 60 अपॉन डैश 1000 इनटू 1000, तो 1000 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 480, तो 480 इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में बोल रहे हैं द मोलालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, वापस से कुछ प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है, द मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज, क्वेश्चन को पूरा चेंज किया हुआ है, कुछ तो प्रिंटिंग एरर है। द मोलालिटी, ये क्वेश्चन है, ऑफ H2SO4 हुज मोल फ्रैक्शन इन वाटर whose mole fraction of water is 0.85. The molality of H2SO4 mole fraction of water is 0.85. Let me rectify this question. क्या? ये typing वाले लोग मेरा ना band बजा के छोड़ेंगे इधर।
द मोलालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। ये मोल फ्रैक्शन किसका है? वाटर का है। तो अभी वापस से यही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला बोलो क्या। मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन एक्स वन इन टू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। वाटर ही है यहाँ पे सॉल्वेंट, वापस से 18 आ जाएगा। अभी आप बताओ एक्स वन का वैल्यू दिया, देखो वाटर इज अ सॉल्वेंट ना, तो अगर ये 0.85 है तो ये 0.15 हो जाएगा, 1000 अपॉन कितना 18। ये डेसिमल डेसिमल तो क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये आ जाएगा आपका मोलालिटी। क्वेश्चन नंबर कितना था? 20। क्वेश्चन नंबर कितना? 20। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए दैट इज 9.80। 9. कितना? 80 मोलर। 21 देखिए, 2.52 ग्राम्स 2.52 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट वाज डिसॉल्वड इन 100 एमएल ऑफ वाटर। 100 एमएल ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात तो आगे क्या दिया है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मोलारिटी निकाल लेते हैं पहले, बराबर। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.52 अपॉन इसका 126 होता है बच्चों मोलार मास, याद है सबको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर 100 एमएल है, सो 100 अपॉन कितना 1000। 20 कैंसिल, एक बचा ऊपर गया, तो 225.2 डिवाइड बाय 126। 126 का डबल कितना होता है, 126 का डबल 252, तो ये डबल्स, तो 0.2 क्या हो जाएगा मोलार। अगर ये 0.2 मोलार है तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो इनिशियल नॉर्मलिटी इज एन फैक्टर 2 होता है, सो 2 इनटू 0.2 0. क्या हो जाएगा 4 नॉर्मल, है ना। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 100 ml था क्वेश्चन में दिया है। अभी आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड टू 500 ml। अभी इसका अपन ने कितना वॉल्यूम लिया है, 10 ml लिया खाली, इसका 10 ml लिया है, और फाइनल वॉल्यूम कितना बनाया उसका, 500 ml। 500 क्या बनाया है, ml बनाया है। द नॉर्मलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन n2 कितना हो जाएगा, n2 पूछा है। तो बच्चों एक्चुअल में इसका एक भी आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। अब लास्ट में जो ऑप्शन डी है उसको नन ऑफ दिस कर लो, मैंने भी सॉल्व किया था इसको, आंसर एक भी मैच नहीं होता है। और जो रेफरेंस बुक से मैंने लिया है उसमें भी ये लिखा है कि नन ऑफ द आंसर मैचेस विद द गिवन सॉल्यूशन, देयरफॉर इसमें आंसर एक्चुअली कुछ अलग ही था, ठीक है। इनटू 10 विल बी इक्वल टू n2 तो पता करना ही था, इनटू 500, ये और ये कैंसिल, सो n2 विल बी इक्वल टू बताओ 440 इनटू 10 की पावर -2 लिख दो डिवाइड बाय 5 इनटू 10 टू -1 लिख दो, 10 टू +1 सॉरी, राइट। तो 5 वन जा 5 8 जा, ये ऊपर गया तो 10 टू -3 हो जाएगा, तो 0.008 10 टू -3 0.008 क्या नॉर्मल हो जाएगा, 0.008 नॉर्मल है क्या कोई ऑप्शन में? यस है, एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अभी आपको क्या करना है, उन्होंने क्या पूछा है, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मिलीग्राम पर एमएल इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन आर रिस्पेक्टेडली। तो इसमें मिलीग्राम इन एमएल में निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, अभी नॉर्मलिटी पता चल गया, अभी इसके अंदर मिलीग्राम इन एमएल निकालेंगे। आप पहले इसका फोटो लो, नहीं तो एक काम करता हूं मैं इधर ही निकाल लेता हूं, आप लोग भी स्टार मार्क करना, ओके। अभी अगर मुझे नॉर्मलिटी पूछा है, नॉर्मलिटी दिया है n2, तो मैं m2 निकाल सकता हूं, मोलारिटी से इजी आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉरी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास पता है कितना 126 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर कितना 500 ml था, तो 500 ml मतलब 1/2 हो जाएगा। मोलारिटी अभी कितना है, ये नॉर्मलिटी है तो इसका आधा मोलारिटी हो जाएगा, तो 4 * 10 टू -3 आराम से 4 * 10 टू -3 देखते हैं मैच होता है कि नहीं। ये हो जाएगा 1/63 सा, सो मास अपॉन डैश 63 बराबर है, सो देयरफॉर मास विल बी इक्वल टू 63 * 4 बोलो 4 3 12 कैरी 1 24 +1 25 252 * 10 टू -3 सो 252 * 10 टू -3 0.252। ये क्या है, ग्राम पर लीटर है, क्या है ग्राम पर लीटर ना, ये तो अगर मैं बात करूं तो ग्राम पर लीटर है। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिलीग्राम मिलीग्राम
पर एमएल पूछा है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 252 इंटू ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, बात हुई है ठीक है ना, 1 लीटर है, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए वापस मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यही आंसर आ गया आपका 0.252 मिलीग्राम पर एमएल हो गया। बट ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या देखो जरा, नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि इसका कोई भी आंसर मैच नहीं होता है। सो डोंट वरी, आप एक काम करना, अगर आप प्रिंट आउट लेते हो तो आंसर डी को लिख देना, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट करो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पांच ही क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 डीएम क्यूब, ठीक है ना, 1 डीएम क्यूब फॉर्म्स, नॉर्मल पूछा है ना, तो पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं ना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल, 1 डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर, तो मोलारिटी 1 हुआ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलारिटी, n फैक्टर 2 इनटू 1, इट्स 2 नॉर्मल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 सेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 39% बाय मास इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, बेंजीन का पूछा है, 39% बाय मास बोला है, सो 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और रिमेनिंग 39 के बाद में छोड़ के 61 बचेगा, तो 61 ग्राम क्या हो जाएगा, 61 ग्राम सॉल्वेंट बचेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, 39 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए, बराबर है, एंड इसका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 61 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास दिया 122, करेक्ट, ये 1/2, ये भी 1/2, तो आप बताओ देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1/2 प्लस 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 सेज व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट बोला तो मोला लिटी हो जाएगा, क्या जाएगा, मोला लिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, टू बॉटल्स ए कंटेन्स, ए में 1 मोलार सॉल्यूशन है और बी में 1 मोलार सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दोनों सेम है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पेक्टिवली, तो दोनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स सब कंफ्यूज होते हैं, इसका मीनिंग क्या पहले बताओ, 1 मोल ऑफ डैश H2SO4 इन बोलो क्या, 1000 ml सॉल्यूशन, बराबर है, इसका मीनिंग क्या है, 1 मोल ऑफ डैश H2SO4 इन 1000 ग्राम क्या वाटर, बराबर है। अभी आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं यहां पे 1000 ग्राम वाटर की जगह पे 1000 ml वाटर लिखूं तो, हाँ तो सेम ही हो ना, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि अगर दोनों में से कंपेयर करना है तो दोनों का न्यूमरेटर तो सेम ही है, तो कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ पे 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर वाटर ही 1000 आ गया, क्या बोला मैंने सुना, वाटर ही 1000 आ गया, तो डेफिनेटली अगर मुझे और सॉल्यूशन करना है तो 1 मोल सॉल्यूट का भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू तो बढ़ जाएगा, 1000 से प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट भी अगर ऐड करूंगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो अगर मुझे वाटर की जगह पे सॉल्यूशन लिखना है तो 1000 प्लस समथिंग होगा, तो 1000 प्लस समथिंग होगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, सो देयरफॉर 1 मोलर H2SO4 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर H2SO4, ठीक है ना। अभी यहां पे डेंसिटी का रोल क्यों नहीं आया, बिकॉज सॉल्यूशन दोनों क्या थे, सेम थे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन बेंजीन इज, मतलब H2 दिया है, H2 दिया है कितना, 0.2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, कैलकुलेट द मोलालिटी, सो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है,
0.2 डिवाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द क्या सॉल्यूट ही था ना के सॉल्वेंट था बोलो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट था सॉल्वेंट कौन है बेंजीन बेंजीन का कितना होता है 78 होता है 78 तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 4 बन जा 4 250 जा सो 250 डिवाइड बाय 78 75 मान के चलो 78 को 80 मान चलो 84 जा कितना होता है 240 है ना तो ये तो 240 से ज्यादा है मतलब 4 से थोड़ा क्या रहेगा नजदीक रहेगा या फिर चलो मल्टीप्लाई कर ही लेता ना क्योंकि आंसर बहुत क्लोज हो जाते हैं बताओ 84 जा 32 कैरी 1 कैरी 3 28 प्लस ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर सो 3 पॉइंट कितना 3.2 भी हो सकता है 3.6 भी हो सकता है तो चलो डिवाइड कर ही लेते हैं 250 को अगर हम लोग 3 से करें तो 78 3 जा कितना होता है 24 7 3 जा 21 प्लस 2 23 सो बच्चों 250 में से 234 गया कितना आएगा 16 फिर डेसिमल आ जाएगा डेसिमल आ गया तो कितना हो गया 160 तो डेफिनेटली कितना आएगा 3.2 ही आएगा क्योंकि 78 का डबल कितना 160 के कम होगा तो 3.2 क्या हो जाएगा बोला तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन A is the correct option for this. So students, with this we have finished the questions related to concentration terms B. Concentration terms, group B के question जो थे हमने discuss किए. Now ऐसे ही बेटा आपको एक homework sheet भी दिया है. Lecture 4 bracket में homework दिया है. उसका answer की भी मैंने साथ में provide किया है. So this is the end of this topic. Next lecture में we'll start with dilution formula, very important. उसके बाद में molarity of mixing and very important volume strength of H2O2. Till then, thank you students. Take care.